एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट ए एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन. क्यू इक्वल्स टू एन ई. एन इज नंबर ऑफ चार्ज मीन्स फंडामेंटल एंड ई इज फंडामेंटल चार्ज. ओके, फंडामेंटल चार्ज में इधर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. ओके, सो क्यू इक्वल्स टू एनी अगर मिल रहा है हमें, तो ये क्वांटाइजेशन का लॉ है जिसमें ई फंडामेंटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कोई भी एक होगा. ओके, सो दिस इज अ क्वांटाइज, मतलब कि जो भी चार्ज होगा बॉडी में वो किसी फंडामेंटल जो चार्ज है उसका मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट दे रही है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. यस, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इन मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. ओके, एंड द बी इज व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस. अगर लार्ज स्केल चार्जेस मतलब बड़े, सो लेट्स सी, इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻¹⁹. वेरी स्मॉल वैल्यू. एंड इज व्हाट नंबर ऑफ चार्जेस, और ये ऑलवेज इंटीग्रल होते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं कि लार्ज स्केल, तो अगर स्केल की रिगार्डिंग बात की जाए तो n इज टू लार्ज इन वैल्यू कंपेयर टू वैल्यू ऑफ e. इसीलिए जब इतने बड़े नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते तब हम क्वांटाइजेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पे क्वांटाइजेशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रिएशन होता है. ओके, तो हम लोग क्या करते, सीधी चार्ज की वैल्यू ले लेते, सीधा बॉडी का चार्ज सीधा, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पे टेस्ट ट्यूब के एक एक एमएल के लिए आप वहां पे प्रैक्टिकल करते हो कि भी एक एमएल डाला कितना है, वो माइक्रोस्कोपिक है. लेकिन जब हम घर में आते हैं, ठीक है, पूरा बकेट पानी का देखते हैं, तब हम एक एक एमएल को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है. तो दैट्स अ माइक्रोस्कोपिक. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाते हैं, उस टाइम ई के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है कैलकुलेशन. ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल 1.4. स्वाध्याय 1.4. पदार्थ नो विद्युत भार क्वांटमित थयेलो छे. कथन नो अर्थ समझाओ. कथन नो अर्थ एटले क्वांटमीकरण नी थियरी के क्यू बराबर एनी लेवा जोईए के जेमा कोई पण पदार्थ होय. पदार्थ मा रहेलो कुल विज भार कोई मूलभूत विज भार ना पूर्ण गुणांक मा होय छे, ज्यां ई एटले मूलभूत वीजभार. आ मूलभूत वीजभार मा इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन ने लेवामां आवे छे. એટલે કે કોઈપણ પદાર્થમાં રહેલો વીજભાર એ કાં તો ઇલેક્ટ્રોનના કારણે રહેલ હોય,
का तो प्रोटोन ना कारणे होवो जोईए। तो आम कोई पण पदार्थनी अंदर कुल वीजभार ए इलेक्ट्रॉन प्रोटोन ना वीजभार ना पूर्ण गुणांक में होवो जरूरी छे। आ हतो ए, आ छे बी, स्थूल एटले के मोटा मापक्रम पर विद्युत भारो साथे काम करती वक्ते आपणे विद्युत भारनुं क्वांटमीकरण शा माटे अवगणी शकीए छीए। तो याद राखो के ज्यारे मोटा वीजभारनी वात करवामां आवे छे त्यारे ईनुं मूल्य लेवा जोईए तो प्लस ओर माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम मळे छे। ओके, હવે n મોટા વીજભારમાં n ની સંખ્યા ખૂબ જ મોટી હોય છે। હવે આ સંખ્યા એટલી મોટી હોય છે કે e સાથેના ગુણાકારમાં તકલીફ પડે છે। એક ઉદાહરણની મદદથી સમજીએ। ધારો કે આપણા ખિસ્સામાં પૈસા કેટલા, તો કે 213 રૂપિયા, 518 રૂપિયા, 672 રૂપિયા, નોર્મલ વસ્તુ છે, બધા અંક ગણાય છે। પરંતુ જ્યારે મોટા મોટા અંકની વાત કરવામાં આવે કે ભાઈ કોઈ મોટી કંપની હોય એ મોટી કંપનીનો નફો કેટલો, તો કે 12,000 કરોડ, 12,000 કરોડ, એટલે કે બધા આંકડા પાછળ 12 પછી 0 ના હોય, પરંતુ અંક એટલો મોટો છે કે નાના નાના અંકો, એકમનો, દશકનો, એ બધા અંક એટલા અગત્યના હોતા નથી। માટે આપણે એવડા મોટા અંક માટે માત્ર ને માત્ર 12,000 કરોડ આટલું જ કહી દઈએ છીએ। વાસ્તવમાં 12 ની પછી 1 શૂન્ય હોય, બધા શૂન્ય હોય, અથવા 1 પણ શૂન્ય ના પણ હોય, બધા અંક પણ હોઈ શકે છે। પણ જ્યારે મોટા અંકની વાત કરીએ છીએ ત્યારે નાના નાના અંકને આપણે અવગણીએ છીએ। તો એવી જ રીતે અહીંયા સ્થૂળ માપક્રમ લેવામાં આવે છે ત્યારે એનની સંખ્યા મોટી હોય, જેથી આપણે ઈને નાનો હોવાથી ક્વોન્ટમીકરણ લઈ શકતા નથી। તો આ છે 1.4।